एक और क्वेश्चन जैसे कि हाउ डू यू थिंक इंस्पेक्टर बेकर फेल्ट क्वेश्चंस लाइक जहां पर बच्चे को मीनिंग्स लिखनी होती है यानी सिनोनिम्स लिखनी होती है या फिर एंटोनिम्स लिखनी होती है क्वेश्चंस लाइक दे हैव एक्सप्लेन द मोरल ऑफ द स्टोरी व्हिच दे है राइमिंग वर्ड्स इस तरह से तो ये सारी क्वेश्चन uh, इस तरह के क्वेश्चन इज दिस बुक फिक्शन और नॉन फिक्शन या फिर कुछ और क्वेश्चन जैसे कि वॉट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट दे हैव टू थिंक एंड आंसर तो इस तरह के क्वेश्चन होती हैं कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग फाइंडिंग द आंसर कॉपिंग इट टू द आंसर शीट नहीं कॉम्प्रिहेंशन इज मोर देन दैट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में बच्चों को वेराइटी ऑफ आंसर्स करना आना चाहिए जैसे कि लिटरल क्वेश्चन होते हैं इन्फ्रेंशियल होते हैं एवोल्यूशन क्वेश्चन सो एक बुक तभी कम्पलीट होती है questions. Questions मतलब, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा Whereas, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पे बच्चों को पढ़ने के बाद सोच कर जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया ना वॉट विल राइट अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इन्फ्लुशियल क्वेश्चन जो इसका आंसर डायरेक्टली पैराग्राफ में प्रेजेंट नहीं होता वेयर एज एवेलिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर बच्चे को अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज लगाकर आंसर लिखना होता है ऑथर के आइडिया से वो अग्री करता है या नहीं करता या फिर वट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी वॉट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एवेलटिव क्वेश्चन सो लिटरल क्वेश्चन दूसरा है इन्फुलेंशियल क्वेश्चन ऑन एवेलेटिव क्वेश्चन ये तीन टाइप ऑफ जब किसी किताब में होना तभी जाकर आप उस कॉम्प्रिहेंशन बुक को प्रेफर करें सो so, ये वाली किताब है कॉलिस् की कॉम्प्रिहेंशन बुक सुटेबल फॉर सेवन टू नाइन एज ग्रुप इसमें टोटल फोर्टीन लेसन दी गई हैं फोर्टीन कॉम्प्रिहेंशन दी गई हैं और अच्छी बात है कि एंड में आपको आंसर्स मिल जाएंगे सो इफ यू वॉन्ट टू चेक योर चाइल्ड आंसर आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं जनरली कॉम्प्रिहेंशन किताबों में आंसर नहीं मिलती बट इस किताब में है एंड आई रियली लाइक इट एक कॉलेंस की बुक है वी ऑल नो कॉलेज की किताबें स्कूल्स में बहुत यूज़ होती है बिकॉज दे आर वेरी थाटफुल्ली डिजाइंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये मैंने अपने लिए लिए मतलब अपनी बेटी के लिए लिए टू इम्प्रूव हर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू आंसर क्वेश्चन लाइक दिस यानी जस्ट वो लिटरल क्वेश्चन कर पाती है इन्फ्लुशियल और अवेलेटिव क्वेश्चन वो कर नहीं पा रही है तो टू इम्प्रूव दैट आई टुक दिस बुक ये किताब मैंने किसी के पास देखी थी आई लव दिट सो आई वॉट इट सो ये अमेजोन से ली है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप चेक कर सकते हैं या फिर कोई भी किताब अगर आप खरीदना चाहें अपार्ट फ्रॉम दिस आप बाइंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि एक कॉम्प्रिहेंशन किताब में क्या क्या होनी चाहिए उन सभी चीज़ों की प्रेजेंट होने के बाद ही आप बुक को प्रेफर करें सो so, ये था आज का अच्छा वीडियो Uh, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बच्चों को क्या क्या चीजें आनी चाहिए और किस तरह की किताब आप रेफर कर सकते हैं टू टीच देम कॉम्प्रेहेंशन स्किल्स सो so, था आज का वीडियो आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करे शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स Give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos